Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is FashionViewChetna and आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही सारी गर्ल्स को हेल्प होने वाला ये वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को अभी तक डाउट है कि जो मेंस्ट्रुअल कप होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या वो सेफ़ है, या क्या बहुत ज़्यादा पेन होता है, या क्या हमारे पेट में जाने के कोई चांसेस होते हैं. इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी गर्ल्स एंड वुमेन के भी होते हैं. मैं भी आप लोगों में से हूँ, मुझे भी बहुत सारे डाउट थे. मैंने भी बहुत सारी रिसर्च करके, लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, बहुत सारे डॉक्टर्स के रिव्यू देखने के बाद मैंने मेंस्ट्रुअल कप खरीदा. अपने फ्रेंड्स जिन्होंने खरीदे हैं उनसे भी रिव्यू लेने के बाद ही मैंने मेंस्ट्रुअल कप खरीदा है एंड मैंने उसको ट्राई किया है. ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये एंड मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि एवरी गर्ल्स को एंड एवरी वुमेंस को ये यूज़ करना चाहिए. बहुत ही सेफ रहता है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके पीरियड्स आए हुए हैं. हाँ, बैक पेन एंड स्टमक पेन होता है तो आपको लगता है कि आपके पीरियड्स आए हुए हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं लगता है. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सही चीज़ है ये, पैड फ्री चीज़ है. पैड में आपको रैशेज होने के चांसेस होते हैं एंड एवरी टाइम आपको हर वन आवर या हाफ एन आवर में, हर 30 मिनट्स में या वन आवर में आपको पैड चेंज करने पड़ते हैं. सो मेंस्ट्रुअल कप में ऐसा कुछ नहीं है, बस लगा के भूल जाइए कि आपको पीरियड आए हुए हैं एंड देन आपके फ्लो के अकॉर्डिंग आपको वो जो कप है वो खाली करना पड़ता है. सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये कैसा होता है, अच्छा होता है कि नहीं होता. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है लड़कियों का वो ये होता है कि कौन सी ब्रांड का हमें खरीदना चाहिए. सो गाइस, पी सेफ एंड सिरोना दोनों ही ब्रांड जो है वो बहुत ही अच्छी ब्रांड है फॉर द मेंस्ट्रुअल कप. बट थिंग इज दैट कि जो सबसे पहले जो पी सेफ की जो कप की जो स्टेम आती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी आती है. मैंने दोनों ही मंगवाए थे. सो पी सेफ की जो आती थी वो इंसर्ट होने में ईजी होती है, बट उसकी जो स्टेम है ना वो इतनी सी आती है, लाइक इतनी सी आती है. बट जो सिरोना की स्टेम होती है आप देख सकते हो इतनी बड़ी आती है. सो स्टेम का पर्पज़ ये होता है कि इंसर्ट करने तरीका तो ये सेम होता है, इंसर्ट हो जाता है, बट जब हमारे निकालने की बारी आती है तब उस केस में क्या होता है कि जो पी सेफ का कप है वो इतना ही होता है, तो हमें हल्की सी फिंगर इतनी इंसर्ट करके हमारी वजाइना के अंदर देन हमें इसको प्रेस करके हमें निकालना पड़ता है. बट सिरोना के अंदर क्या होता है कि ये जो स्टेम है वो इतनी बड़ी होती है, तो आप इसको क्या इस टाइप से मूव करते करते बाहर लेके आओगे तो ये आराम से बाहर आ जाता है, देन प्रेस करके आप इसको निकाल सकते हो. सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी ब्रांड की आपको खरीदनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी मेंस्ट्रुअल कप आपको ना सिरोना ब्रांड का, ये सिरोना ब्रांड है ना उसी का ही खरीदना चाहिए क्योंकि इसकी स्टैम बड़ी आती है. सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सी साइज का खरीदना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अनमैरिड हैं, लाइक आपका इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो आप स्मॉल साइज़ का किसी भी ब्रांड का खरीद रहे हो, चाहे पी सेफ या सिरोना, आप जो है स्मॉल साइज़ का खरीदे. बट आपका डिलीवरी हो चुका है, आप मैरिड हैं, तो आप मीडियम साइज़ का खरीद सकते हैं. चाहे आपके सिंगल बेबी हो, चाहे वो सी सेक्शन से हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो, तो भी आप मीडियम साइज़ का खरीद सकते हैं. बट आपकी वर्जिनल डिलीवरी है और दो बेबी हैं आपके, तो आपको लार्ज साइज़ का पिक करना चाहिए. सो साइज़ की अगर मैं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनमैरिड के लिए स्मॉल वन बेबी एंड मैरिड के लिए मीडियम साइज़ और टू बेबी वर्जिनल डिलीवरी के लिए लार्ज साइज़. सो साइज़ का कन्फ्यूज़न मैंने आपका दूर कर दिया है. बट थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है. सो थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये सिलिकॉन का बना होता है, बिल्कुल सेफ़ है. मैंने डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखे थे और इसकी रिसर्च जो भी हुई थी 2019 में हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये एकदम सेफ़ है. बहुत ही सॉफ्ट होता है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता है, और इसमें जो होल होते हैं ये आप देख सकते हो, ये चारों तरफ इसके होल हैं. सो जब आप अपनी वजाइना के अंदर आप इसको इंसर्ट कराते हो तो ये इस टाइप से चिपक जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ये टस से मस भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हिलता है जब तक कि आप इसे प्रेस या फोर्सफुली बाहर नहीं निकालते हो या फोर्सफुली अंदर नहीं भेजते हो, तब तक ये कहीं से भी नहीं जाता, क्योंकि इसमें जो होल होते हैं वो हमारी बॉडी को पकड़ लेते हैं. सो सिलिकॉन का बेसिकली वर्क ये होता है कि जहाँ पे भी ये चिपक जाता है. सो जैसे ही आप इसको अंदर इंसर्ट करोगे ये वहाँ पे चिपक जाता है, तो पेट के अंदर जाने की कोई चांसेस नहीं है. साइज अपने आप अकॉर्डिंग पिक कर लेना. नेक्स्ट जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोगों का ये आता है कि इसको इंसर्ट कैसे करना है. सो सबसे वेरी बेसिक तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ और आई थिंक सभी गर्ल्स के लिए बहुत इजी होगा, सो ये कप है, आपको इस टाइप से इसको फोल्ड करना है. आपने देखा इस टाइप से इसको फोल्ड करना है, देन आपको इसको पुश करते हुए इंसर्ट करना है. सो अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकता है कि आपको पेन हो,
और अगर आप मैरिड हो तो उनको पेन होने के चांसेस कम होते हैं. सो अनमैरिड गर्ल्स को थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, बट एक दो दिन यूज़ करने के बाद इसके साथ आप फेमिलियर हो जाओगे, आप यूज्ड हो जाओगे, आपको इतना पेन नहीं होगा. एंड जो मैरिड हैं या जिनके बेबी हो चुके हैं उनको तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ. मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको इंसर्ट कर दिया था, बिकॉज आपको पता है कि मेरा एक बेबी भी है बट मेरा सी सेक्शन डिलीवरी है तो भी मैंने इजीली इंसर्ट कर दिया था. सो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैरिड के बाद इंसर्ट नहीं होता, पेन होता है, सीधा सा इंसर्ट हो जाता है. एंड निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर आप सिरोना का कप परचेस करते हो तो आपको क्या करना है कि इसकी स्टेम आपको हल्का सा फिंगर अंदर डालना है, तो आपको इस टाइप से मूव करोगे आप तो ये नीचे आता जाएगा. इस टाइप से आपको मूव करना है, जैसे ये अंदर है, ठीक है, ये अंदर है, इस टाइप से आपको पूरा जब आप इसको अंदर इंसर्ट करते हो ना इस टाइप से फोल्ड करना है, ये आपका वर्जिनल पार्ट है, तो इसके अंदर आपको इस टाइप से पूरा आपको ना इंसर्ट कर देना है. जैसे ही आप इसको इंसर्ट करोगे ये फोल्ड पोर्शन में इंसर्ट होता है, जैसे ही इंसर्ट हुआ ये फोल्ड है, बट आपको क्या करना है इसको ऊपर डालना है और उसके बाद में आप इसको हल्का सा इस टाइप से हल्का सा मूव करोगे ना तो ये कप ओपन हो जाता है, इस टाइप से कप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये ऊपर चिपका हुआ ही रहता है आपकी बॉडी के अंदर. अब जैसे आप इसको निकालना है तो आप इसको निकालते टाइम क्या करोगे, आप इसको इस टाइप से हल्का हल्का मूव करोगे तो यहाँ तक आ जाएगा. यहाँ तक आने के बाद आपको ये प्रेस करना है, ये प्रेस करोगे तो इसकी सारी हवा जो बाहर निकल जाएगी तो उसके बाद ये आसानी से बाहर आ जाता है, ठीक है. बाहर आने के बाद जो भी आपका ब्लड इसके अंदर कलेक्ट है वो आपको आपके वॉशरूम में, मतलब जहाँ पे भी आप खाली करना चाहो खाली करना है, एंड देन आप इसको वॉश करके, जो इसके साथ में मैंने तो वॉशर वाला मंगवाया था, बाकी बहुत सारे लोग स्टेरिलाइज करते हैं, सो मैंने इसका वॉशर वाला मंगवाया था, तो मैं इसको वॉश करके देन स्टेरिलाइज करके देन इंसर्ट करती हूँ. जब आप पार्सल मंगवाते हो तो पार्सल आने के बाद आपको पहले, अगर वॉशर मंगवाते हो तो वॉशर से वॉश करने के बाद, स्टेरिलाइज करने के बाद ही आपको इंसर्ट करना. ऐसा नहीं कि न्यूली पैक है तो आप सीधा इंसर्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. आपको हमेशा वॉश करके ही आपको यूज़ करना है और आपके हैंड भी वॉश होने चाहिए. आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और जब आप इसको खाली करते हो तब भी आपको अच्छे से वॉश करके, स्टेरिलाइज करके, अपने हाथों को वॉश करके और देन ही इसको इंसर्ट करना है. और जब निकालते हो तब भी आपके हाथों को अच्छे से वॉश करके, हाइजीन का मेंटेन रख के ही आपको इसको निकालना है. जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाते तो भी आप इसको अच्छे से स्टेरिलाइज करके इसके साथ में जो बैग आता है उसके अंदर डाल के, और मेरे साथ तो ये इस टाइप सा इसका जो कंटेनर आया था उसमें मैं डाल के रखती हूँ, तो इस टाइप से आपको पैक करके रखना है और जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हो. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इसको कितने साल तक यूज़ कर सकते हैं. एज पर ब्रांड इस पर लिखा हुआ 8 ईयर, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 या 3 साल के बाद में चेंज कर लेना, बिकॉज मेरे को ऐसा है कि अगर इसमें कोई भी फंगस या ऐसा कुछ भी आता है तो आप 2 से 3 साल के बाद में तो चेंज कर ही सकते हो. इस पे लिखा हुआ 8 ईयर, बट मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ आपको, मैं आपको ये बोलूँगी 2 से 3 साल बाद आप चेंज कर लेना. सो ये आपको मैंने बता दिया कि इसको इंसर्ट कैसे करना है, इसको निकालना कैसे, हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन रख के ही आपको इसको यूज़ करना है. अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारे पेट में जाने के चांसेस तो नहीं होते हैं, हमने लूज़ मंगवा लिया. चाहे आप लूज़ मंगवा लो चाहे आप बड़ी साइज़ का मंगवा लो, ये कहीं पर भी नहीं जाने वाला है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में चिपक जाता है, सो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा जब तक आप फोर्सफुली इसको ज़्यादा इंसर्ट नहीं करते हो या फोर्सफुली ज़्यादा बाहर नहीं करते हो. वैसे भी हमारा सर्विक्स पार्ट यहाँ पे होता है, जब आप इसको इंसर्ट कर देते हो तो यहाँ पे एक सर्विक्स पार्ट आता है, उसके आगे कोई स्पेस नहीं होता है. सो ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला, आप टेंशन मत लीजिएगा. मैंने इसको यूज़ किया और मैं भी बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई. लाइक जब फर्स्ट डे मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कहीं अंदर चला जाएगा, कहीं अंदर चला जाएगा, बट मैंने रिसर्च कर रखी थी फिर भी मुझे डर था कि ये अंदर चला जाएगा. बट फर्स्ट डे जब मैंने यूज़ कर लिया आराम से निकल गया दिन, तब सेकेंड डे मेरे को बहुत यूज़ हो गया. अच्छा ठीक है, इंसर्ट करना करा और निकाल लिया, सो बहुत ही अच्छा है. एंड लगाने के बाद जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम के बाद हम इसको खाली कर सकते हैं. सो फर्स्ट डे अलग अलग गर्ल्स एंड वुमेन का अलग अलग फ्लो होता है. सो फर्स्ट डे मैं खुद डरी हुई थी कि 3 आवर्स में मैंने इसको खाली कर दिया था कि शायद बहुत ज़्यादा भर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइज. पूरे टाइम में, फर्स्ट एंड सेकंड डे में, शायद ये पूरे दिन की बात करूँ, ये कप भर के ही ब्लड निकलता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बहुत भर भर के निकलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो फर्स्ट 3 आवर में जब मैंने इसको खाली किया तो ये इतना ही फिल हुआ था, तो मेरे को लग गया था कि मेरा फ्लो कैसा है. सेकंड जब मैंने इसको खाली किया तो मैंने 5 आवर में इसको खाली किया तो इतना समथिंग कुछ ब्लड आया था. और फिर नेक्स्ट 5 आवर के बाद मैंने खाली किया था, तब भी सेम आया था. फिर सेकंड डे जैसा कि मेरा ज़्यादा फ्लो होता है तो मेरे को आइडिया था, तो मैंने सेकंड डे भी 5 आवर के बाद इसको खाली किया तो इतना ही था. एंड थर्ड और फोर्थ डे ब्लड जो है वो
फ्लो जो है वो कम हो जाता है, तो इतना ही यूजुअली आता है. तो मुझे आइडिया हो गया कि पूरे दिन के अंदर सिर्फ ये कप भर के ही हमारा ब्लड निकलता है. वो अलग अलग गर्ल्स का अलग अलग होता है, बट मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है वो इतना ही रहा है. सो आप लोग अगर सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. बहुत ही कम ब्लड हमारा फ्लो होता है. सो फ्लो की बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट डे आपको आइडिया लेना है कि 3 आवर में खाली कर देना, देन 4 आवर में खाली कर देना. फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ब्लड का जो फ्लो है वो कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सेट हो जाएगा. और फर्स्ट डे आपको यूज़ करोगे तो थोड़ा अजीब सा भी लगेगा कि क्या है, बट सेकेंड डे ट्रस्ट मी गाइज आप एकदम फ्रेंडली हो जाओगे इसके साथ में यूज़ करने के लिए. एंड फिर एवरी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो. कोई रैशेज होने की कोई चांसेस नहीं है, कोई भी पेन होने का कोई चांसेस नहीं है. अनमैरिड गर्ल्स को हो सकता है कि जब वो फर्स्ट टाइम इंसर्ट करेंगे तो उन्हें पेन हो सकता है, अदरवाइज कोई पेन होने के चांसेस नहीं. रैशेज से बच सकते हो, पैड फ्री है. और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि इसको इंसर्ट करने के बाद भी क्या ब्लड लीक हो सकता है क्या. सो एज पर माय एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी ब्लड लीक नहीं हुआ है. जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया था, फर्स्ट 3 आवर में भी मेरे कोई स्पॉट नहीं था, सेकंड में भी कोई स्पॉट नहीं था. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इतना डर है या आपका लीक भी होता है इनकेस, तो आप पैंटी लाइनिंग बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, वो ला के आप लगा सकते हो. ये कहीं पे भी उसको चुभन सा या ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगेगा. ये पूरी तरीके से हमारे ना वर्जिनल पार्ट में इंसर्ट हो जाता है इस टाइप से. तो पैंटी लाइनिंग तो यहाँ पे आता है, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा. सो इतने सारे क्वेश्चन जो भी लोगों के डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिया. हाँ, एक जो बहुत ज़्यादा डाउट आता है लोगों का वो ये आता है कि इसको लगाने के बाद हम पी कर सकते हैं क्या. तो सो डेफिनेटली आप पी कर सकते हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको लगाने के बाद कंफर्टेबल नहीं होंगे वॉशरूम जाने में, टॉयलेट करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है. आराम से आप जो है अपना पी कर सकते हो. सो ये बहुत ही फ्रेंडली है. इंटरकोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको लगा के इंटरकोर्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये उसी एरिया में इंसर्ट होता है. सो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं. आई होप मैंने जो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस इस ब्रांड के साथ, सिरोना ब्रांड के साथ, मैं आपको शेयर करूँगी. सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. मैं सारी गर्ल्स को, सारी वुमेंस को रिकमेंड करती हूँ कि आप भी प्लीज़ ये यूज़ कीजिएगा. पैड से फ्री होएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही मतलब अच्छा सा फील होने वाला है इसको लगाने के बाद. आई होप मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छा सजेशन दिया या मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा. अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, फैशन व्यू चेतना को फॉलो कीजिएगा, एंड मेल करके भी पूछ सकते हो. गाइज मैं इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी. सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज, बाय बाय.